हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 26 अगस्त की करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको करंट अफेयर अवेलेबल करवाते हैं। दोस्तों, पिछली जो वीडियोज़ हैं वो आप नीचे मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो पिछली जितने भी दिन की करंट अफेयर है उसके आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो जो आप है जो कि पुरानी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं दोस्तों, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज दोस्तों, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं देता हूं, दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पर बताता हूं उनकी पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप है जो कि पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो लेटेस्ट जो भी कुछ करंट अफेयर होती है दोस्तों, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहां पर लेकर आते हैं। एंड दोस्तों, उनके जो सॉल्यूशन है, उनके जो आंसर है, उन सभी से साथ साथ में दोस्तों वहां पर जो उनका कंक्लूजन निकलता है उनके बारे में भी हम यहां पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो 26 अगस्त की करंट अफेयर उसके बारे में जान लेते हैं। एंड दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले उस घंटी के बटन को भी जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नए लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जो पीडीएफ का लिंक है वो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों, वीडियो की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महीने के लास्ट में आपको पूरी 30 दिन की जो कि अगस्त महीने की पूरी करंट अफेयर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, FSSII की पहली राष्ट्रीय अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला दिल्ली NCR का उद्घाटन कहाँ हुआ। दोस्तों, FSSII की पहली राष्ट्रीय अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला दिल्ली NCR की उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी है हमारा नई दिल्ली एंड ऑप्शन डी है हमारा गाजियाबाद। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था गाजियाबाद में। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हाल ही का क्वेश्चन है, पूर्व मंत्री का 24 अगस्त 2019 को निधन हो गया था। दोस्तों, पूर्व वित्त मंत्री का 24 अगस्त 2019 को निधन हो गया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था। तो दोस्तों, यहां पर व्यक्ति का नाम पूछा गया है। एंड दोस्तों, यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि व्यक्ति का नाम दे दिया और उसकी जो निधन की जो तारीख है दोस्तों 24 अगस्त 2019, इसको पूछ लिया जा सकता है। और एंड दोस्तों, वो कौन थे, मतलब किस पोस्ट पर थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना था कि वो पूर्व वित्त मंत्री थे जो कि पहले रहे थे। दोस्तों हमारा ऑप्शन ए आता है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है हमारा पी चिदंबरन और सी है हमारा ऑप्शन मनमोहन सिंह एंड ऑप्शन डी है अरुण जेटली। तो दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अरुण जेटली की हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों 24 अगस्त को। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, 7वीं आर्थिक जनगणना का पहला चरण 23 अगस्त 2019 को कहाँ से शुरू किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक जनगणना की कौन से नंबर की जो है ये जनगणना है। तो दोस्तों, ये 7वें नंबर की है। एंड दोस्तों, कितने तारीख को इसका पहला चरण शुरू किया गया। तो दोस्तों, 27 तारीख को है जो है ये शुरू की गई दोस्तों, इसको 27 अगस्त 2019 को जो है इसे शुरू किया गया। एंड दोस्तों, इसका जो चरण पहला चरण है वो कहाँ से शुरू किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा आता है मणिपुर, ऑप्शन बी है हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी हमारा आ जाता है उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर है जहां से कि पहला चरण जो है आर्थिक जनगणना का शुरू किया गया था दोस्तों 23 अगस्त 2019 को। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किस देश ने अपना पहला ह्यूमनोइड रोबोट फेडरर को अंतरिक्ष में भेजा। दोस्तों, किस देश ने अपने पहले ह्यूमनोइड रोबोट को जो है फेडरर, इस रोबोट का नाम है जो है फेडरर, इसको अंतरिक्ष में भेजा। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन आता है चीन, ऑप्शन बी है हमारा रूस, ऑप्शन सी हमारा आता है जापान एंड ऑप्शन डी हमारा आता है अमेरिका। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रूस। रूस ने जो है अपना पहला ह्यूमनोइड रोबोट फेडरर को जो है अंतरिक्ष में भेजा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा रूस है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आता है
किस देश ने नई मिसाइल रक्षा प्रणाली बाबर 373 का अनावरण किया है? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। पहला हमारा ऑप्शन दोस्तों इसके लिए आता है ऑप्शन ए में इराक, ऑप्शन बी सिराई सीरिया, ऑप्शन सी है हमारा ईरान और ऑप्शन डी है हमारा पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान। दोस्तों इराक ईरान ये दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूज करते, तो आपको याद रखना है कि ईरान जो है इसका राइट आंसर है, जिसने अभी हाल ही में 373 का अनावरण किया है दोस्तों, 373 नई मिसाइल का रक्षा प्रणाली के लिए। तो अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज MSME क्षेत्र के लिए किस नाम से ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसके लिए हमारा ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए है भारतीय शॉप, ऑप्शन बी आता है भारत क्राफ्ट, ऑप्शन सी हमारा आता है माइक्रो क्राफ्ट एंड ऑप्शन डी हमारा आता है इंडियन किराना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मतलब थोड़ा अलग तरीके से भी पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों इसके लिए, ये आपका एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। एंड भारत क्राफ्ट किसके लिए लॉन्च किया गया है ई कॉमर्स पोर्टल, तो दोस्तों ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए MSME के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत क्राफ्ट, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के एशियाई पैसिफिक ग्रुप ने किस देश को ब्लैक लिस्ट में ऐड किया या फिर दोस्तों ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? तो ऑप्शन ए हमारा आता है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है हमारा नेपाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी ये क्वेश्चन दे दिया था कि जो है पाकिस्तान है जो कि इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आता है किसने तंबाकू उत्पादन पर चेतावनी के लिए नई अधिसूचना जारी की है? दोस्तों तंबाकू उत्पादन पर चेतावनी के लिए नई अधिसूचना किसने जारी की है? तो ऑप्शन ए हमारा आ जाता है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी हमारा आता है नीति आयोग, ऑप्शन सी हमारा दिल्ली हाई कोर्ट एंड ऑप्शन डी हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केंद्र सरकार। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में तंबाकू उत्पादन पर चेतावनी के लिए नई अधिसूचना यहां पर जो है जारी की है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है संजय बांगड़ की जगह किसे हाल ही में भारतीय टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संजय बांगड़ की जगह पर हाल ही में भारतीय टीम के नए जो बल्लेबाजी कोच है दोस्तों उनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए आता है PVS लक्ष्मण, ऑप्शन बी हमारा आता है राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी आता है माइक हसी और ऑप्शन डी हमारा आता है विक्रम राठौड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विक्रम राठौड़। एंड दोस्तों इससे पहले का अगर पूछा जाए तो संजय बांगड़ जो है आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, हम एक दिन में एक वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही लेते हैं, तो हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वेंकटेश प्रसाद और मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड तोड़कर कौन टेस्ट में सबसे पहले 50 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए आता है रविचंद्र अश्विन, अभी हाल ही में दोस्तों ये रिकॉर्ड टूटा है तो आपको याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा आता है कुलदीप यादव, ऑप्शन सी हमारा आता है जसप्रीत बुमराह एंड ऑप्शन डी हमारा आता है भुवनेश्वर सिंह। तो दोस्तों मोहम्मद शमी और वेंकटेश प्रसाद का जो अभी रिकॉर्ड तोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे मतलब तेज 50 विकेट लेने वाले दोस्तों भारतीय तेज गेंदबाज हैं जो कि जसप्रीत बुमराह हैं, इनका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस लाल बटन को दबा करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस घंटी के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले ताकि जब भी हम कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन है जो कि आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।